Hey guys, welcome to my channel. If you're new here, my name is Namita Bharali. So welcome to another vlog. First, मैं आज morning में उठ के गई gym और gym में मैंने क्या किया वो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा record किया. So पहले वो देखिए. So here is my today's gym outfit. I wear this Urbanic sports bra and Urbanic leggings. And today is my leg day. And leg day मतलब बहुत ज़्यादा strength की ज़रूरत होता है. सो फर्स्ट आई एम गोना डू गोब्लेट स्क्वाट. मैं 3 सेट मारती हूँ 10 to 15 रेपिटेशन. नाउ आई एम डूइंग सेकेंड सेट एंड इन एवरी सेट्स आई इंक्रीज वेट अ लिटिल बिट एंड माई नेक्स्ट वेरिएशन विल बी स्टेप अप. स्टेप अप में मैं शोल्डर के ऊपर वेट लेके देन मैं स्टेप अप मारती हूँ. 3 सेट मारती हूँ एंड एवरी सेट में मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा वेट बढ़ाऊँ. मैं तीनों सेट आपको नहीं दिखाऊंगी बट हियर आई एम डूइंग सेकेंड सेट. अभी मैं करने वाली हूँ जो और थोड़ा सा मैंने वेट बढ़ा लिया. एंड गाइज दिस वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज. आई नेवर मिस दिस एक्सरसाइज एंड इट्स कॉल्ड हिप थ्रस्ट विच इज़ माई फेवरेट. तो मैं पहले थोड़ा सा लाइट वेट में हिप थ्रस्ट मारूंगी एंड देन ग्रेजुअली मैं वेट बढ़ाऊंगी. एंड फर्स्ट सेट आई एम डूइंग विथ 50 किलो एंड देन उसके बाद थोड़ा 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 बढ़ाऊंगी. एंड इसके बाद आई विल डू सेकेंड एंड थर्ड सेट. एंड सेकेंड सेट एंड थर्ड सेट में मुझे ना किसी का हेल्प चाहिए बिकॉज वेट देने के लिए कोई चाहिए होता है. एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ देम बिकॉज दे हेल्प्ड मी एंड या एंड दे नो दैट आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो. सो या सो स्वीट ऑफ देम. एनी वेज सो दिस वन इज माई सेकेंड सेट एंड आई विल डू नाउ थर्ड सेट. In third set, I increased a little more weight and I called my both trainer and उन लोगों ने मेरा help किया. So yeah, this one is third and last set and मैं और ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी नहीं तो पूरा gym का ही video हो जाएगा. So yeah guys, that's it for today's gym session. Now going back to home and मुझे बहुत सारा काम है, pack करना है and बहुत कुछ करना है because I'm going to my hometown. तो जिम से आने के बाद मैं फ्रेश होके नाउ आई एम गोइंग टू पैक माय बैग. यस आई एम ट्रैवलिंग अगेन. आई एम गोइंग टू माय होम टाउन एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू पैक छोटू सा बैग बिकॉज एवरी टाइम आई कैरी ह्यूज बैग. एंड मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे कपड़े ले जाती हूँ, शूज का ऑप्शन ले जाती हूँ, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, बट आई नेवर वेयर देम. ट्रस्ट मी गाइज, आई नेवर वेयर देम. मैं जैसे फोल्ड करके लेके जाती हूँ सेम वैसे ही फोल्ड करके लाती हूँ बॉम्बे में, वार्डरोब में रख देती हूँ. मैं घर पे सिर्फ पहनती हूँ मतलब घर पे पहनने वाला पजामा एंड यू नो माय नाइट सूट एंड वो भी सिर्फ दो या तीन मैक्सिमम है, मैक्सिमम 3 इज एनफ फॉर मी एंड बस. और मैं जो कपड़े पहन के यहाँ से जाती हूँ ट्रैवल करती हूँ सेम कपड़े पहन के मैं बॉम्बे में भी आती हूँ. एंड अगर इन बिटवीन मुझे कहीं जाना होता तो टॉप चेंज करती हूँ. जीन्स तो आई डोंट थिंक सो मैं चेंज करती हूँ. एंड माय मम इज लाइक एवरी टाइम कि इतना बड़ा बैग लेके आती हूँ कुछ पहनती नहीं, क्यों लेके आती हूँ, जो सही भी है. एनीवेज आई एम गोइंग टू कैरी दिस बैग, कैबिन बैग ये मैं लेके जाऊंगी एंड अभी मैं करूंगी पैकिंग. सो या गाइस लेट्स गो. By the way, my mirror is dirty. I need to clean. Let's see पहले क्या क्या है. Western, I don't know. I don't think so I'm gonna carry anything. हाँ मैं jeans तो obviously carry करूँगी और mini skirt वगैरह नहीं करूँगी. ये top I'm thinking to carry. This one is so vibrant and beautiful orangey top. Orange color top that means. And I think ये full sleeve वाला मैं बहुत बार पहनी हूँ. रेड वाला ऑल्सो आई शूट कैरी आई गेस. ये पिंक वाला लास्ट टाइम आई कैरीड दिस वन. ये पिंक वाला लास्ट टाइम मैं पहनी हूँ एंड बैंकॉक ब्लॉग में भी पहनी हूँ. आई एम गोना कैरी दिस रेड वन. बाय चांस अगर मुझे मेरा आई मीन मूड हुआ तो मैं ये पहन लूंगी.
जीन्स मैंने दो कैरी किया, आई थिंक और एक कैरी कर लूँ, आई डोंट नो, लिटरली कंफ्यूज. एक तो मैं पहन के जाऊँगी, एक मैंने कैरी किया. सो नाउ आई एम गोइंग टू पैक माय मेकअप स्टफ. मेकअप का मैं कैरी करूँगी इसमें, बहुत स्पेस है मेकअप के लिए. ब्रश क्लीन करना बहुत जरूरी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं घर जाके क्लीन करूँगी. एंड ये सब है न्यू मेकअप जो मैं बैंकॉक से लाई हूँ, अभी तक मैंने अच्छे से ओपन नहीं किया. आई शेडो मैं एक ही पैलेट कैरी करूंगी, दिस स्वीट पीच वन. फाउंडेशन आई एम गोइंग टू कैरी बोथ, क्योंकि ये लाइटर शेड है, ये बहुत डार्कर शेड है. मैं इसको एज ए कंसीलर भी यूज करती हूँ, तो दिस टू माई फेवरेट. एंड पाउडर, दिस वन बिकम माई न्यू फेवरेट. ये जो मैं बैंकॉक से लाई हूँ ना, फोकस, यस, ये पॉन्स वाला, ये बहुत अच्छा है. तो मैं सोचू मैं इसे यही कैरी करूँ. एंड ये लिपस्टिक, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ लिपस्टिक में, नहीं क्या क्या ले जाऊँ. ये एक ले जाऊंगी, ये मेरा न्यू फेवरेट. मस्कारा में लॉरियल का ले जाऊंगी, ये भी ले जाऊंगी लिपस्टिक. ये है मार्स कॉस्मेटिक का लिप क्रेयॉन स्माइल प्लीज, बहुत अच्छा है. मिस केयर का ले जाऊंगी लिप लाइनर. ये अगर मुझे शार्प करना भी होगा, बाबा के पास पेंसिल शार्पनर है ना, उससे भी मैं कर सकती हूँ. एंड यस आई एम गोना कैरी दिस आईलाइनर, दिस वन इज मिस्टीन का आईलाइनर, बैंकॉक का है. दिस वन दिस आर लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रश. रेड वन आई ऑल्सो कैरी एंड दिस वन ऑल्सो कैरी. ये स्विच ब्यूटी का है, माई न्यू फेवरेट. एंड पीच डे है इसका नाम, एंड शेड नेम इज पीच डे 08. मैं बहुत सारे वीडियो में ये बनाई, इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया हूँ. दो टिश्यू का जो ये पैक है, ये मैं कैरी करूँगी. I'm done with my makeup packing. मेरा ये लिपस्टिक है ना, दिस वन फ्रॉम नायका, ये रेड लिपस्टिक है. इट्स सो ब्यूटिफुल कलर, बट ये निकल गया. ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, दिस वन आई एम गोना कैरी दिस वन. ओह क्या कलर है. स्किन केयर में आई एम गोइंग टू कैरी माई लिप बाम. नो लिप बाम आई शुड कैरी दिस वन आई एम गोना कैरी, मैं बैंकॉक से लाई हूँ. सनस्क्रीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इसके बिना मैं कहीं नहीं जाती हूँ. एंड हाँ, अंडर आर्म रोलन, ये भी बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ. So here is my night cream. I'm using this fade out night cream. Focus, yes. But iska result I'm not sure ye kaisa hai, because mujhe kuch pata nahi chal raha. It's been 3 months I'm using. So aur kuch din use karke then I'll let you know if I get any effective result. Now I need my jewelry. इस बार मैं थोड़ा इंडियन भी कैरी करूंगी, बिकॉज आसाम में बहुत सारा फेस्टिवल है, बहुत ज्यादा हैवी है. सो आई एम नॉट श्योर आई एम गोना कैरी दिस वन ऑर नॉट. नो ये बहुत ज्यादा हैवी, आई डोंट थिंक सो आई एम गोना कैरी दिस वन. सो आई एम गोना कैरी दिस झुमका, आई थिंक दिस वन, इन केस इफ आई वॉन्ट टू वेयर. एंड मैं कैरी करूंगी ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ये कैरी करूंगी गोल्ड इयररिंग, दिस वन एंड दिस वन. Thank you.
सो मैं कैरी करने वाली हूँ ये टोट बैग. आई गॉट दिस बैग फ्रॉम जोक एंड दिस वन आई एम गोना कैरी. वेट टिश्यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइप करने के लिए हैंड या फिर फेस वाइप के लिए भी. तो दिस वन आई एम गोना कैरी. ओह आई हैव टू कैरी माय नेल पॉलिश. ठीक है वो मैं बाद में डाल दूंगी. सो या ऑलमोस्ट डन. हियर इज माय बैग. एंड गॉगल में कौन सा कैरी करूँ आई डोंट नो. दिस वन और अदर वन आई विल शो यू. दिस वन आई एम गोइंग टू कैरी. दिस परफ्यूम एंड ये मिनीसो का परफ्यूम है बट ये अच्छा है. एंड दिस टू नेल पॉलिश शुगर पॉप का ब्लैक एंड वाइट एंड दिस नेल पॉलिश रिमूवर एंड गॉगल आई एम गोइंग टू कैरी दिस ब्लैक वन. दिस वन आई एम गोना कैरी. मेरा पैकिंग हो गया है एज यू कैन सी. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम गोना वेयर इन द एयरपोर्ट. आई मीन ट्रैवलिंग के टाइम में मैं क्या पहनूंगी. आई थिंक ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया है आई एम गोना वेयर टाइट जीन्स एंड वो ऑरेंज टॉप. लेट मी शो यू दिस जीन्स. मैं लास्ट टाइम भी बैंकॉक गई थी ये पहन के ट्रैवल किया था एंड देन उससे पहले भी मैं घर गई थी यही जीन्स पहना था. टॉप मैं ये पहनूंगी. जीन्स आई डोंट नो मे बी मैं और एक कैरी करती हूँ जीन्स. ठीक है मैं निकाल के रखती हूँ. अगर मुझे कैरी करना होगा मैं जस्ट बैग में पैक करके डाल दूंगी. सो आई एम गोना वेयर दिस टॉप एंड नीचे मैं पहनूंगी मोस्ट प्रोबेबली ये क्रॉक या फिर शू. अभी मैं कल जब रेडी होंगी तभी मुझे पता चलेगा कि क्रॉक्स या शू दोनों में से कुछ पहनूंगी. बट जीन्स तो यही पहनूंगी टॉप यही पहनूंगी. आई थिंक आई एम गोइंग टू कैरी दिस पैराशूट पैंट. ये पैंट और ये बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा बैग में तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज बट आई एम तो लाइक फ्लाइट ऐसे करती रहती हूँ. मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगता है. सो आई एम गोना वेयर दिस वन आई गेस टुमारो. आज रख देती हूँ. So yeah guys, that's it for today's video. Please do subscribe to my channel and hit that notification bell icon jo yahan pe hai so that you don't miss any of my video. And yeah, see you in my next video. Bye.